especially that she's starting the movement first in Mumbai. I'm from Delhi and Chandigarh, and I know how unsafe it is to be traveling in buses or trains or anything, and we definitely needed some inspiration. So I hope that Delhi and Chandigarh people will also realize and, you know, help in such cause. And even if Smita ji goes ahead and goes central and all over India, which I was telling her, which will be slowly expanding, that will be an excellent cause. A lot of women will have her to thank. Thank you so much. Mumbai Chopal duty, give them a round of applause. I would request to set it up. Backdrop chahiye humko. Ye sab karta hu, fir problem kya hai? We do ethical. Roll. Zarur awaaz kam kar lete hain aapko bike chahiye. 1 or 2 minutes. Sir, 2 minutes. Chaliye. I constitute 75% of the Hindi madhe Marathi. Hindi. I don't understand certain things. How will I get a job? What is the word politics mean? So much of noise. No problem. Chale, aa jaye. नहीं हम लोग यहाँ पे कर लेंगे यहाँ पे हाँ वही चलते हैं ओके चलो हो गया ओ रेडी हो हाँ चलो फटाफट हाँ क्या क्या पूछना है मैम जिस तरह से आपने मुक्ति फाउंडेशन अब महिलाओं के लिए आप खास करके कुछ वर्क करें तो किस तरह का ये पूरा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है अभी तो फिलहाल 12 मार्शल्स के साथ हमने उनको लॉन्च किया है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है जैसे आपने अभी देखा है पर जिस तरह हमारी महिलाएं आज इतनी असुरक्षित महसूस हो रही है मेरी 12 मार्शल्स शायद ही कुछ कर पाएंगी पर एक इनिशिएटिव हमने लिया है और उनको उन मार्शल्स को हम बढ़ाते जाएंगे ऑफकोर्स आप सभी का अगर सपोर्ट हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम महिलाओं के लिए करना चाहूँगी और आज तक मैं करती आई हूँ जो भी काम हमने हाथ में लिया है उसको बहुत अच्छी तरह से लगन से हम करते आए हैं मुक्ति का एक नया जो विंग है उसका नाम है मी मुक्ति उसके अंदर हमने ये महिलाओं के लिए काम शुरू किया है हमने शुरुआत तो सेफ्टी से की है फिर और भी बढ़ते जाएंगे जिस तरह से भी हमको ज़रूरत महसूस हो और जिस तरह हमको साथ मिले लोगों का डेफिनेटली मैं मुक्ति के अंतर्गत अपने प्रोग्राम्स बढ़ाती जाऊंगी। ये जो प्रोग्राम है अंधेरी से बोरीवली तक है पर ज़्यादा महिलाएं जो है विरार ट्रैवल करती हैं तो इनके लिए भी कुछ आगे बढ़ाएंगे आप विरार से जो बिल्कुल बिल्कुल अभी तो सेंट्रल से शुरू किया है और हार्बर और अभी तो वेस्टर्न से शुरू किया है इनफैक्ट सेंट्रल और हार्बर हमको अचीव करना है बहुत ही जल्द वहाँ भी हम लोग शुरू करेंगे और हमारी प्रोसेस में है मार्शल्स हमारे ट्रेनिंग्स के अंदर प्रोसेस में है जब भी हमारा पूरी तरह से इक्विप्ड हो जाएंगे हम वहाँ भी एक अपने टाइमिंग 9:30 to 12:30 रखे हैं जी उससे जो टाइमिंग होता है ऑफिस टाइमिंग 7 to 9:30 होता है ऑफकोर्स इसी बीच में कुछ ना कुछ कांड होते हैं हाँ तो उस बीच में ज़्यादातर ऐसे इंसिडेंसेस जो भी हमारा सर्वे हुआ है ज़्यादातर इंसिडेंसेस रात को हुए हैं क्योंकि रात को कंपार्टमेंट धीरे धीरे खाली होती जाती है और ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको नाइट शिफ्ट के लिए ऑपरेशन ड्यूटीज जिनकी होती है वहाँ जाना पड़ता है और कई सारी स्टूडेंट्स होती है जिनको लेट नाइट जाना पड़ता है या कुछ जो भी कारण की वजह से अगर ट्रेन में से रात को ट्रैवल करना पड़ता है उनके लिए हम सेफ्टी क्योंकि दिन में काफ़ी क्राउड होता है और काफ़ी चहल पहल होती है तो ज़्यादातर जो क्राइम होता है वो रात को होता है तो इसलिए हमने रात का वक्त अभी शुरू किया है 11 o'clock के बाद एक दो डिपार्टमेंट होते हैं जो जेंट्स लेडीज में भी चढ़ सकते हैं उसमें आपने कुछ खास सुविधा की है नहीं हाँ हमने पुलिस को इसके बारे में बहुत इतला की है इनफैक्ट ज़्यादातर हमने ध्यान यही दिया है कि हमारी जो मार्शल्स हैं अगर ऐसा कभी मौका आए तो उनको डेफिनेटली अलाउ ना करें क्योंकि एक प्रिकॉशंस के तौर पे हमें उनको कहा गया है कि अगर बाकी के कंपार्टमेंट्स अगर खाली है तो आप वहीं चलिए तो ये सब अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है हर एक और फर्स्ट क्लास की टिकट आदि कैसी लगेगी
नीचे आ जाइए जी। मार्शल आर्ट्स, मार्शल जो आर्ट्स है उसके लिए भी कुछ आपने प्रिपरेशन कर दिया, कुछ उसके लिए कुछ सुविधाएं दी हैं? सॉरी, आपने जो मार्शल आर्ट रखे उनको भी कुछ सुविधाएं दी हैं? क्योंकि वो तो लेडीज है, कुछ भी हो सकता है जी। बिल्कुल, उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद उनके उनके साथ उनके सुपरवाइजर्स होंगे, उनको सुपरवाइजर्स उनके घर तक पहुँचाएंगे, उनको बस सेवा दी गई है तो उनका भी ख्याल रखा गया है, क्योंकि वो भी लेडीज है बट दे आर वेल इक्विप्ड एंड वेल ट्रेन्ड लेडीज है, तो डेफिनेटली वो अपना अगर वो खुद ही अपना बचाव कर सकते हैं वो हमें पूरा यकीन है, उस तरह की ट्रेनिंग उनको दी गई है। इस सुविधा कब से चालू होने वाली है? अभी कल से बस ट्रेन में दिखेगी। किस वेपन्स दिए गए मार्शल्स? अभी फिलहाल हम लोग कायदा हम अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, तो हमने उनको बेटन्स और पेपर स्प्रेज दिए हैं इनिशियली, क्योंकि शायद वो उतना ही यूज कर पाएंगे, पर उनके जो मार्शल्स आर्ट जो आपने देखा है मेरे ख्याल से वही उनके लिए बहुत काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, आज के दिन में मैं सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहूंगी कि हर महिला के अंदर बहुत सारी शक्ति है, उनको सिर्फ मौका मिलना चाहिए और अपनी शक्ति का उपयोग करिए, और हर एक महिला को शायद अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षितता के लिए कुछ ना कुछ जो चीजें बेसिक जरूरी है वो सीखना बहुत जरूरी है, जो कि ज्यादातर अगर ट्रैवल करती है ट्रेन से या बस से उनको ये सीखना बहुत जरूरी है, तो हर एक को अपने आप को बहुत स्ट्रांग फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है। कोई पॉलिटिक्स का क्वेश्चन नहीं। थैंक यू।